धोनी गए थे चूक पर ऋषभ पंत ने कर दिखाया ये कमाल। नमस्कार, आईपीएल के 39वें मैच में बेंगलुरु के खिलाफ जो काम एमएस धोनी करने से चूक गए, वो काम अगले मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले ऋषभ पंत ने कर दिखाया। धोनी ने बेंगलुरु के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन चेन्नई को एक रन से हार झेलनी पड़ी। वहीं ऋषभ पंत ने महज 36 गेंदों में 78 रन बनाकर अपनी टीम को 6 विकेट से बड़ी जीत दिला दी। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करने उतरे तो शिखर धवन ने अच्छी शुरुआत दे दी थी, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौट रहे थे। पंत क्रीज पर आए और जिरोफा आर्चर ने उन्हें अपनी गेंद से हिलाकर रख दिया। इसके बाद पंत ने राजस्थान की टीम को हिला दिया। पंत ने महज 26 गेंदों में अर्धशतक ठोका। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 4 चौके जड़ दिए। अक्सर ऋषभ पंत के जोखिम भरे शॉट्स की आलोचना होती है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। राजस्थान के खिलाफ उन्होंने कोई जोखिम भरे शॉट खेले और 192 रनों के लक्ष्य के बावजूद अपनी टीम को आसानी से जीत दिला दी। ऋषभ पंत ने इस आईपीएल सीजन में 336 रन बना दिए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 160 से भी ज्यादा है। पंत ने इस सीजन में 2 अर्धशतक लगा दिए हैं। यही नहीं, उनकी विकेट कीपिंग भी दमदार रही है। वो विकेट के पीछे 18 शिकार कर चुके हैं। पंत ने 13 मैच लपके हैं और 5 स्टंप कर चुके हैं। विकेट के पीछे उनका रिकॉर्ड 100% रहा है। उन्होंने एक भी मौका नहीं गवाया है। हालांकि इतना कुछ करने के बावजूद भी ऋषभ पंत वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, जिस पर कई दिग्गज भी सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली बनी नंबर 1। ऋषभ पंत की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद दिल्ली अंक तालिका में नंबर 1 पर आ गई है। चेन्नई दूसरे नंबर पर खिसक गई है। दिल्ली चेन्नई दोनों के 14 और 14 अंक है, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर दिल्ली टॉप पर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।